asked for the event whether it would be मतलब क्या बेहतर रहेगा. मैं भी कंफर्टेबल इसी लैंग्वेज में हूँ तो मैं इसी में बात करूँगी. ऑल्दो मैंने स्पीच अपनी इंग्लिश में इसलिए तैयार की थी बिकॉज देयर इज ऑल सॉर्ट्स ऑफ मीडिया. बट यस, व्हेन यू जब इस जबान में बात करते हैं तो दिल की बात निकलती है और दिल की बात निकलने से डर लगता है क्योंकि फिर दिल की बात अगर कर देंगे तो जेल की सराहों के पीछे जाना पड़ेगा. हमारे बहुत से दोस्त और सीनियर्स जो हैं वो 2019 की सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की प्रोटेस्ट में जेल गए और उनमें से कई लोग रिहा भी हुए जो आज हमारे बीच हैं, जिनके एफर्ट्स की वजह से आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ. एंजेला डेविस का एक कोट है, जेल्स एंड प्रिजन्स आर डिजाइंड टू ब्रेक ह्यूमन बीइंग्स. बट आई से दिस विद इमेंस प्राइड, मुझे बहुत गर्व है ये कहने में कि हमारे हिंदुस्तान के जेल जो है दे फेल टू ब्रेक द स्पिरिट्स ऑफ माई फ्रेंड हियर. आउटसाइड ऑफ द यूनिवर्सिटी स्पेसेस मुझे बहुत कम मौका मिलता है कि मैं सिविल सोसाइटी मेंबर्स से और एक नॉन मुस्लिम ऑडियंस को एड्रेस कर पाऊँ, तो मैं इस मौके को यूटिलाइज करना चाहूँगी. इस तरह I would like to persuade you, मैं कोशिश करूंगी कि आप किस तरह सोचें. What is the reality of existence of Muslims in India? I would like to say this, the reality of existence of Muslims in India is most aptly represented by the reality of the existence of the Babri Masjid. It reflects compromise. It reflects loss of dignity. It reflects a fundamental non-existence of the right to exist, of the right to live. लेकिन आज जो हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम लोग policing democracy की बात करने के लिए इकट्ठा हुए, which means we also have to talk about the role of police in the cases of violence. What is the role of police in India? जब मैं इन सारी agencies को देखती हूँ तो मेरे दिमाग में क्या picture form होती है? मैं किन एजेंसी की बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, मीडिया. मैं ये नहीं देखती कि ये जो एजेंसीज हैं जैसे कि पुलिस, दैट इट इज अ टूल ऑफ द गवर्नमेंट. इट्स नॉट जस्ट दैट, इट्स नॉट मेयरली दैट. द पुलिस इन इटसेल्फ फॉर्म्स अ नेक्सस विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड इज इक्वली इंटरेस्टेड इन ऑपरेशन. आई विल फोकस मोर ऑन today. So basically what happens is that all of these agencies form a nexus and they work in a synchronized fashion. ये सारी चीजें आपस में एक साथ मिलजुल के काम करती है. ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे पुलिस काम करती है तो जो गवर्नमेंट ऑर्डर देगी पुलिस वही करेगी, पुलिस उससे ज्यादा एक्सेसिव मेजर्स यूज नहीं करती है. दैट इज नेवर ट्रू. इट्स नॉट ट्रू बिकॉज when you look at the massacres that have happened of Muslims or other minorities in India, when you look at Hashimpura, when you look at Gujarat, when you look at Meerut, when you look at the hundreds of people that were killed in Aligarh, when you look at Northeast Delhi violence, when you analyze the role of the police in these situations, you will realize that the police is not only a tool of the government, it in itself is an Islamophobic agency. When violence happened in Aligarh Muslim University, there are several videos that are on record. They are with the NHRC as well. They have been recorded by students, they have been recorded by administration. बहुत try किया इन लोगों ने कि वो videos खत्म की जाए, मगर कई videos अभी बाकी हैं, कई तो खत्म कर चुके हैं. उनमें पुलिस जो है वो डायरेक्ट फायर आर्म्स स्टूडेंट्स के ऊपर फायर कर रही है. एंड नॉट ओनली दैट, द पुलिस इज यूजिंग स्लोगन्स आल्सो, और स्लोगन्स उनके इस्लामोफोबिक होते हैं. इन मुल्लों को मारो, मैं उन स्लोगन्स को कह भी नहीं सकती जिस तरह के गंदे डेरोगेटरी और इस्लामोफोबिक स्लोगन्स पुलिस ने स्टूडेंट्स को अटैक करने में यूज किए हैं. तो इससे क्या जाहिर होता है? इससे ये जाहिर होता है कि पुलिस के अंदर भी वही सेम हेट्रेड है, और जो पुलिस के अंदर हेट्रेड है वो उसी का रिफ्लेक्शन है जो मासेस के अंदर हेट्रेड है. पुलिस भी कहां से आती है? पुलिस भी इंडिया के मासेस से आती है. जब इंडिया के मासेस के अंदर इतना हेट्रेड भरा हुआ है, इतना इस्लामोफोबिया भरा हुआ है, इट इज ओनली नेचुरल दैट द पुलिस विल ऑल्सो इनहेरिट दैट.
So the Islamophobia in the police force is actually reflective of the Islamophobia in the masses. Again, I would also like to say that there are several agencies that are working together. So the first one is the government. सबसे पहली agency है वो है government. और government किस basis पर चुनी जाती है? Government इस basis पर चुनी जाती है कि वो कितना hatred दिखा सकती है मुसलमानों के against और कितना hatred वो how much hatred can it put into action against Muslims? उस basis पर सरकार चुनी जाती है. और फिर वो सरकार अपने लेजिस्लेचर के थ्रू किस तरह के लॉज लेकर आती है? वो CAA की तरह लॉज लेकर आती है. वो किस किस लॉ को यूज करके स्टूडेंट्स को और एक्टिविस्ट को जेल भेजती है? UAPA, NSA, राइट? एंड इट विल ब्रिंग मोर लॉज लाइक द यूनिफॉर्म सिविल कोड विच इज ऑल्सो अगेन एन एंटी माइनॉरिटी लॉ. सो दैट इज वन साइड ऑफ द नेक्स्ट. On the other side of the nexus is the police, जिसकी कहानी जिसकी दास्तान मैं already बयान कर चुकी हूँ और कई statistics हैं, कई incidents हैं और in fact you don't have to look, आपको ज़्यादा दूर जाके देखना भी नहीं पड़ता है, आप दिल्ली में ही देख लीजिए the behavior of the police with Jamia students, the way in which women were dealt with by the police, they were molested in Jamia. In Jamia the police did not only lathi charge, it used direct firearms on students. In Aligarh, the tear gas shells that were used, they were expired. You know what that led to? Usually kya hota hai, jab tear gas shell pheka jata hai, to usse dhuaan nikalta hai. Aur yahi uska kaam hota hai, ki dhuaan nikle, usse aapki aankhon mein, aankhen dhundli ho, aur aap disperse kare. Magar Aligarh mein 2015 ki expiry ke tear gas shells used. उससे क्या हुआ? एक्सपायर होने की वजह से वो टीयर गैस शेल्स एक्सप्लोर हुए और एक्सप्लोर होने की वजह से बहुत ग्रेव, बहुत खतरनाक इंजरी स्टूडेंट्स को हुई. आप जब उन तस्वीरों को देखेंगे, देयर इज नो वे दैट वन कैन बिलीव दैट समथिंग सो ग्रेव हैपेंड इन अ यूनिवर्सिटी कैंपस. माय फ्रेंड लॉस्ट हिज एंटायर हैंड टू द वायलेंस दैट हैपेंड. One of my other colleagues in the university lost two of his fingers in the violence. One of our colleagues in Jamia lost one of his eye. Can these things ever come back? Can the state ever pay reparations for this? Can the state pay reparations for the 22 people who were killed in UP in the anti-CAA violence? And I don't even want to go there. मैं अगर पुलिस की दास्तान बयान करने लगूँ और पुलिस के इंडिविजुअल केसेस बयान करने लगूँ तो ये पूरी शाम निकल जाएगी. और यूपी में भी जो जगह जगह हुआ, मेरठ में हुआ, रामपुर में हुआ, आज तक वो केसेस अभी तक चल रहे हैं. एंड दीज इनोसेंट्स आफ्टर 7 years, 10 years, 20 years, 35 years विल बी एक्विटेड. इनके खिलाफ तो कोई केस बनता ही नहीं था. मगर फिर क्या बचता है आदमी के पास? कौन सी जिंदगी बचती है उसके पास? अगेन सो दीज आर टू थिंग्स. द थर्ड इज मीडिया एंड अ लॉट ऑफ यू आर हियर विच गिव्स मी अ चांस टू एड्रेस यू एंड आई वुड लाइक टू टेक द अपॉर्चुनिटी टू डू दैट. द मीडिया इज द वर्स्ट ऑफ, इट्स वर्स देन ऑल ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन, इट्स वर्स देन ऑल ऑफ दीज एजेंसीज. बिकॉज जो दिमाग में जो इंप्लिकेशन होता है आइडियाज का, मास्टर्स में उसका काम वो कौन निभाता है? वो मीडिया का काम है. और मीडिया उस काम को बखूबी निभाती है. मीडिया प्रोपेगेंडा को फैलाने का काम बखूबी निभाती है. मीडिया इज ऑल्सो अ टूल ऑफ द गवर्नमेंट, इट्स एंड इट्स नॉट जस्ट अ टूल, इट्स ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ द वेब दैट द गवर्नमेंट यूजेस एंड द स्टेट यूजेस टू ऑप्रेस माइनॉरिटी कम्युनिटीज लाइक मुस्लिम्स, दलित्स एंड आदिवासी. इन द एंड आई वुड नॉट टेक मच टाइम, बट आई वुड से because I am not asking you for a lot, मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रही. मैं नहीं कह रही कि मुसलमानों की लड़ाई आप लड़ें या दलितों की लड़ाई आप लड़ें. इनफैक्ट हम तो उसके खिलाफ ही बोलते हैं. हम ये कहते हैं कि हमारे स्टेजेस को हमारे पास रहने दीजिए, हमारी लड़ाई हमें लड़ने दीजिए, आप अपना एक्टिविज्म और अपनी लीडरशिप अपनी कम्युनिटी की कीजिए. इनफैक्ट आप जो कर सकते हैं उसका मैं आपको एक आइडिया देना चाहती हूँ. इस बारे में सोचिएगा. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, APCR है, UAH है, यूनाइटेड अगेंस्ट है, माइल्स टू स्माइल फाउंडेशन है, क्विल फाउंडेशन है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क है, कॉलेंसर का, दिस लॉट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन.
आप अपनी कैपेसिटी में इन ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प कीजिए. इफ यू आर अ लॉयर, हेल्प एज अ लॉयर. इफ यू आर अ मीडिया पर्सन, हेल्प इन द मीडिया ऑर्गेनाइजेशन लाइक मक्तूब मीडिया. दे नीड फंडिंग, राइट? मक्तूब मीडिया इज द ओनली, इज वन ऑफ द वेरी फ्यू इनफैक्ट मीडिया दैट पर्टिकुलरली फोकस ऑन पर्सनल इश्यूज, राइट? बट दे सफर फ्रॉम अ लैक ऑफ फंडिंग, राइट? Why don't you join these organizations and help in whatever way you can? If you can write well, then write for these organizations. If you can speak well, then speak for these organizations. So instead of using our stages for your activism and to gain leadership and to gain popularity, why don't you use the means that you have to support us and to give us unconditional solidarity? We are ready to fight the fight. It was us. It was Muslims who were in Northeast Delhi. It wasn't elite civil society members who were killed in Northeast Delhi. It was the Muslims on ground. So yes, my only request is that the issues of Muslims have become very fundamental. They are not about big things like political representation anymore. Right? We are not asking ki hame political representation chahiye. Ye sab bhula diya hai humne. Kyun bhula diya? Because baat ab jo hai human rights par aa gayi hai. बात अब इतनी सी आ गई है कि हमारी डेड बॉडीज लौटा दो प्लीज. हमें एक इज्जतदार मौत दे दो. हमें डिग्निटी से रहने दो. हमारे घरों को डिमोलिश मत करो. असम में आज कल इनफैक्ट डिमोलिशन ड्राइव शुरू हुआ जिसमें 1000 फैमिलीज को डिस्प्लेस किया गया एंड नोबडी गारंटीज वेयर दीज पीपल विल गो. व्हेन शर्जील इमाम टॉक्ड अबाउट असम, he was in Aligarh Muslim University. 6 or 7 cases were filed against him. Unke khilaf 6000 cases filed hue alag alag acts ke under, including UAPA, including sedition. Hone ke ek saal baad hi kai cases mein unko bail mili. Usse kya prove hota hai ki case banta nahi hai? To kharabi kis mein hai? Kharabi UAPA mein hai, jiske under wo abhi tak jail mein hai. और भी बहुत से एक्टिविस्ट हैं जिनको बाकी केसेस में बेल मिली मगर यूएपीए के तहत वो अभी तक जेल में है. तो खराबी किस चीज में है? क्या इन लोगों में खराबी है या ये लॉ ड्रेकोनियन है? या ये लॉ इसलिए बनाया गया है कि अच्छी वॉइसेस को, पावरफुल वॉइसेस को जेल किए रहने दिया जाए? शर्जील इमाम ने जब असम की बात की, उन्होंने असम को अलग करने की बात नहीं की, उन्होंने बहुत जनरस सी बात की. ये प्रोटेस्ट का एक तरीका होता है कि आप किसी स्टेट की या किसी जगह की रिसोर्सेज को रोक दें. वहां खाना पीना नहीं पहुंचेगा कुछ देर तो स्टेट की जो एजेंसी है वो ऑलरेडी अलर्ट हो जाएंगी. और अलर्ट क्यों करना था? बिकॉज द सिचुएशन ऑफ एनआरसी एंड सीए इन असम वाज वेरी ग्रेट एंड शर्जील वांटेड टू ब्रिंग अटेंशन टू दैट इशू. हाउएवर इट वॉज मिसकोटेड एंड मिसरिप्रेजेंटेड बाई द राइट विंग एंड देयरफॉर ही वॉज अरेस्टेड. अब आज जब असम में 1000 फैमिलीज डिस्प्लेस हो रही हैं, तो फिर शर्जील की बात प्रूव होती है कि असम इज वर्स ऑफ देन अस. वी मस्ट फोकस ऑन असम. वी मस्ट लिसन टू असम. वी मस्ट थिंक ऑफ असम. सो आई वुड बेसिकली लाइक ऑल ऑफ यू टू कम फॉरवर्ड एंड हेल्प द कॉज इन वट एवर वे यू कैन. आई जस्ट एंड माई स्पीच बाय सेइंग वन उर्दू कपलेट फ्रॉम अल्लामा इकबाल विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. अ लॉट ऑफ अस गेट सैड. हम लोग अपनी उम्मीद छोड़ देते हैं. तो एक कपलेट है उसके वो कहकर मैं खत्म करना चाहूंगी. इट सेज नमो नौमीद नौमीदी जवाले इल्म इरफा है. नमो नौमीद नौमीदी जवाले इल्म इरफा है. विच मीन्स डू नॉट लूज होप बिकॉज लूजिंग ऑफ होप is the starting of your decline. Ummeed-e-mard-e-momin hai khuda ke raazgahon mein. Thank you.